नमस्कार, मैं पाटलिपुत्र से प्रोफेसर मंगला रानी, बहुत आभार बनारस की धरती पर मुझे जोड़ने के लिए, इस मंच से जोड़ने के लिए मैं आभारी हूँ। आज जो विषय है वह गंभीर है, लेकिन मैं BHU की कल्पना मात्र से आह्लादित हो जाती हूँ। मैं वहाँ कुछ दिन रह चुकी हूँ और वहीं लंका में सामने घाट पर मैं रहा करती थी और कैंपस में जाया करती थी नित्य प्रति। वहाँ मंदिर में बैठकर अपने उन पूर्वज लेखकों को याद किया करती थी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनकी सुगंध वहाँ, उनकी सुरभि वहाँ मैं पाया करती थी। तो वह भूमि प्रणम्य है हमारे लिए, हिंदी पढ़ने वालों के लिए, और वैसे तो है ही भारतवर्ष का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला BHU। तो मैं बहुत गौरवान्वित और बहुत ही आभारी हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर के मिश्र जी का, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया था और मुझे आपके मंच से जोड़ने का काम किया था। तो बहुत आभार। यह जो विषय है आज हमारा, यह है COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में हमारा साहित्य और समाज। COVID-19 आज बड़ा गंभीर प्रश्न है विश्व के लिए, और इसको समाज और साहित्य के, इसके परिप्रेक्ष्य में समाज और साहित्य को देखना एक अलग नज़रिया मांगता है। पहले मैं COVID-19 की ही बात कर लूँ, उसकी सामाजिकता की बात कर लूँ, उसकी वैश्विकता की बात कर लूँ। COVID-19 यानी कोरोना ने ग्रहण लगाया है जीवन पर। आज हम सब बहुत परेशान हैं, संपूर्ण विश्व बहुत परेशान है। यह कैसा एक वायरस है जिसने जीवन को लीलने का काम किया है, तकलीफ देने का काम किया है, परेशान करके रख दिया है। यह एक कैसा वायरस है, इसकी नेगेटिविटी तो हम देख ही रहे हैं, नकारात्मकता तो हम सब देख ही रहे हैं। बहुत परेशान हैं, बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और पहलू भी विचारणीय हैं, जिन्हें मैं विचार करना चाहूँगी। वह है एक सापेक्ष पक्ष, वह है एक सकारात्मक पक्ष। किस प्रकार ये बीमारी इस प्रकार फैली कि हम सब ने एक ही मंत्र अपने अंदर रखा, कीप डिस्टेंस, यानी डिस्टेंसिंग ही एकमात्र इलाज हमारे समक्ष आया। डिस्टेंसिंग, अलगाव, साहित्य अलगाव की बात नहीं करता, समाज अलगाव की बात नहीं करता, लेकिन यह बीमारी, इस बीमारी ने हमें अलगाव के निकष पर खड़ा कर दिया कि आपको डिस्टेंसिंग में रहना पड़ेगा। और इस डिस्टेंसिंग ने, मैं देखती हूँ कि एक अजीब समझ विकसित कर दी। इस डिस्टेंसिंग ने एक संपूर्ण विश्व में अंडरस्टैंडिंग विकसित कर दी। यह अंडरस्टैंडिंग हमारी, हमारे शरीर के अलगाव को मन के मिलन तक लेकर जाती है। हम एक दूसरे के लिए चिंतित रहने लगे हैं, एक दूसरे को याद करने लगे हैं। संपूर्ण मानवता जैसे एक हो गई है। कहीं कोई मृत्यु होती है और सारे लोग दुखी हो जाते हैं, खबर भी मिल जाती है। पहले तो कितने एक्सीडेंट होते थे, कितनी मौतें होती थीं, कितनी विपदाएं आती थीं, पर हम अलग अलग उसको, उसके लिए दुखी होते थे। आज संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम की ओर जाते हुए सबके दर्द को महसूस कर रहा है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग यह भी है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, पहले हम नहीं जानते थे, अब हम जानने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ सब ठीक तो है ना। परिवार, एक परिवार का जो हमारे यहाँ कंसेप्ट था, हमारी जो परिकल्पना थी भारतवर्ष की संस्कृति में, बड़ी पवित्र, बड़ी मनोहारी, बड़ी सुंदर, यह सांस्कृतिक व्यवस्था जैसे कि नष्ट होने लग गई थी। तो यह सांस्कृतिक व्यवस्था इस डिस्टेंसिंग ने पुनः सामने लाकर रख दी। हम सब परिवार में रह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, सब एक साथ रह रहे हैं। यह भी एक कोरोना का एक सकारात्मक पहलू मैं देखती हूँ कि परिवार में रहने का भगवान ने क्या कुछ किया है। शायद हमारी ही कमियां थी, हमारे ही गलत काम थे, हमारे ही प्रकृति के विरोधी बहुत सारे काम थे, जिसके कारण शायद उन्होंने दंड
दिया और कहा कि अब परिवार में रख के देखो कि परिवार का सुख क्या होता है, और जिस प्रकृति को तुम क्षतिग्रस्त कर रहे हो उस प्रकृति को थोड़ा विकास करने का अवसर दो। तो इस प्रकार प्रकृति विकसित हो रही है, हम देख रहे हैं नदियां स्वच्छ हो रही हैं, पंछी कलरव कर रहे हैं और रास्ते पर पशु उतर आए हैं। जो पशु जिनको देखकर हम भागा करते थे और जो हमें देखकर भागा करते थे, हमें सड़कों पर नहीं पाकर स्वच्छंद विचरण को उतर आए हैं जंगलों से सड़क पर। तो यह एक खूबसूरत वातावरण तो बन रहा है, लेकिन इन मौतों से हमें लड़ना है, इन मौतों से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन जो सीख या बीमारी देकर गई है, उस सीख को हमें बिल्कुल हमेशा ही स्मरण रखना है कि हमने क्या गलत किया था, नहीं करेंगे। और हम भारतीय पद्धति पर, संपूर्ण विश्व आज इस बात को मान रहा है कि भारतवर्ष में नमन करने की जो पद्धति है, स्वच्छता की जो पद्धति है, एक दूसरे को डिस्टेंस देने की जो पद्धति है, वह पद्धति लागू करना होगा। यानी डिस्टेंस देने का मतलब स्पेस देना, सबको अपना सर्वांगीण विकास करने का अवसर देना, हमारे यहाँ स्पेस देने का यह मतलब था। और हम सब पुरानी संस्कृतियों में लौटें तो उन चीज़ों को हमने छोड़ दिया था, उसको वापस पा रहे हैं, पाकर संजो कर रखना है। हम तो उबर ही जाएंगे इस बीमारी से, इस तकलीफ़ों से हम तो उबर ही जाएंगे, लेकिन उबरने के बाद हम भूल जाते हैं। तो हम इन झूमते हुए वृक्षों को याद रखें, इन पंछियों को याद रखें, इन विकसित फूलों को याद रखें, इन पशुओं की स्वच्छंदता को याद रखें और अपनी सीमाएं समझें। हमारी जो सीमाएं हैं, हम प्रगति करें आकाश तक, लेकिन हम अपनी मर्यादा, सामाजिकता ना भूलें। और इन मर्यादाओं में रहते हुए अगर हम जिएं तो यह सीख यह बीमारी देकर जा रही है। और मैं जरा समाज की बात कर लूं, क्योंकि मेरा विषय है परिप्रेक्ष्य में कोरोना के साहित्य और समाज। मैं तो कहूँगी समाज के बिना तो साहित्य का अस्तित्व नहीं है। साहित्य जो है समाज का ही दर्पण है। जब प्रेमचंद ने पहले ही कह दिया साहित्य जो है समाज का दर्पण है, आप देखें कि साहित्य कहाँ से उद्भूत होगा, कहानियाँ कहाँ से आएंगी, चीज़ें कहाँ से निकल कर आएंगी, रस का संचार कहाँ से होगा। हमारे अंदर जो उद्भूत भावनाएं हैं वह हमें सबको जोड़ने के कारण भावनाएं आती हैं। तो समाज कहीं भी साहित्य से अलग नहीं है। और साहित्य की, हमारे यहाँ जो साहित्य है वह वही धर्म है, वही इतिहास है, वही अध्यात्म है, वही दर्शन है। साहित्य अलग नहीं है, क्योंकि आप धार्मिक पृष्ठभूमि में जाएं तो भी वहाँ साहित्य है, साहित्य ही आधार भूमि है धर्म के ग्रंथों का, और जहाँ से हम धर्म के क्रियाकलाप सीखते हैं, शैली सीखते हैं, पूजा विधि सीखते हैं। तो हमारी संस्कृति में कहते हैं कि विष्णु के आप्त वचन थे चार वेद, जो साहित्य की पुरातन हमारी श्रृंखला वहीं से शुरू हो जाती है। और हमारा अध्यात्म, हमारा दर्शन, हमारे गुरुजन जिस वेदों के माध्यम से निकल कर आते हैं, सप्तऋषि की चर्चा हम करते हैं, सप्तऋषि हमारे गुरु थे ब्रह्मांड के, तो उनकी परंपरा हम वेदों से पाते हैं। जीवन शैली बता है उन ग्रंथों में, अलग अलग वेदों को की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार बिंदु हैं, और वो सब जीवन जीने की शैलियां ही बताते हैं। तो इसलिए यह साहित्य समाज के लिए ही है, राष्ट्र के लिए ही है, विश्व के लिए ही है, जीवन धारण करने के लिए ही है। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं और हम जब धरती की ओर, हमारे कहते हैं कि साहित्य की एक विधा है रूपक, जिसको नाट्य विधा कहते हैं, तो कहते हैं कि ब्रह्मा के दरबार में देवताओं ने आकर कहा कि मनोरंजन का एक ऐसा साधन हमें दीजिए, एक ऐसी विधा हमें दीजिए जिससे हम आनंदित हों, अब पुरानी विधाएं काम नहीं करती। तो उन्होंने पंचम वेद रूपक की सृजना की थी, यह रूपक जो आज आपके समक्ष विभिन्न बहुत लंबी परंपराओं को बनाता हुआ आज सिनेमा तक पहुंच चुका है। तो ये एक ऐसी विधा थी जो विधा पहले काव्य के अंतर्गत आती थी। हम साहित्य की चर्चा करेंगे क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ी हूँ, तो और साहित्य के अंदर समाज को ढूंढ रही हूँ या समाज के अंदर साहित्य को, लेकिन दोनों का अन्योन्याश्रय मैं नहीं भूल सकती। तो मैं जब देखती हूँ कि ये परंपरा कहाँ तक जाती है, तो जो काव्य
की विधा है आज काव्य, बहुत अलग अलग प्रयोगों से निकलती हुई आज की स्थिति में आई है। लेकिन कभी सब कुछ गेय हुआ करता था, गाने योग्य। आप देखते हैं वेद की ऋचाएं भी हम गाते हैं, श्लोक भी गाते हैं, और जितने ग्रंथ थे आधुनिक काल से पहले सब गेय थे, गाने योग्य थे, हम गाया करते थे। तो उस वक्त काव्य की ही दो पद्धतियां मानी गई थी, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, सुनकर कहने वाले गीत। सुनकर आप जानते हैं हमारे यहाँ हमारी जो परंपराएं आई हैं श्रव्य विधि से भी बहुत आई हैं, श्रुतियाँ जिनको कहते हैं, और उनके माध्यम से कितने सारे साहित्यकार हमारे समक्ष आए। हम जितने जिज्ञासु लोग हैं, हम जितने जागृत लोग हैं, मनुष्य हम तभी तो हैं कि हम जागृत हैं, हम चेतन हैं, हम ढूंढते हैं, तो हम ढूंढ ढूंढ कर उन कवियों को निकाल ले आए हैं जो जुबान पर थे। नहीं तो हमें कबीर नहीं मिलते, नहीं तो हमें सूर नहीं मिलते, नहीं तो हमें जयसी नहीं मिलते, नहीं तो हमें बहुत सारे पुराने कवि नहीं मिलते जिनको हमने खोद खोद कर निकाला और उनके ग्रंथों को सामने रखा, उनके ग्रंथों के माध्यम से हमने सीख ली, उनके ग्रंथों के माध्यम से हमने जाना कि जीवन क्या है, ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है। अपनी परंपराएं छोड़ना और आगे की पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ना, हम उनसे ही सीख कर तो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सुंदर चीज़ें इस साहित्य ने हमें दिया, और यह जिज्ञासा जो है वह, तो हम रूपक की बात कर रहे थे, तो रूपक से होते हुए आप देखें कि संपूर्ण भरत के नाट्यशास्त्र से जो नाटक की विधा चलती है वह आज तक किस प्रकार प्रच्छन्न है, और उसी के अंदर बहुत सारी अन्य विधाएं जुड़ जाती हैं। नाटक में कहानी है, नाटक में कविताएं हैं, नाटक में कहानी यानी आज के तत्व के दृष्टिकोण, शास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं, कथ्य के दृष्टिकोण से कथ्य हैं नाटक में, यानी कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई उद्देश्य। तो सारे के सारे तत्व हैं वहाँ, सारी विधाओं के तत्व हैं वहाँ, लेकिन उसकी शैली गेय है, गायन के रूप में है। हम गागा कर नौटंकियों के माध्यम से, फिर धरती पर नौटंकी की प्रथा चली, गाँव गाँव में नौटंकियाँ, और उन आध्यात्मिक संदेशों को हम इन नौटंकियों के माध्यम से सामने लाते थे। मैं समझने के लिए साहित्य की सरणियों को, समाज की जागृति को और व्यवस्था को, हमने जो साहित्य के इतिहास बनाए हैं उसकी तरफ जरूर जाना चाहूँगी कि हम संपूर्ण विश्व के साहित्य को लें या हिंदी साहित्य के इतिहास को लें, विश्व के साहित्य में भी जो अंतिम निष्कर्ष होता है वह आदर्श की स्थापना होती है, लेकिन समयानुकूल आदर्श बदलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ रामचरितमानस, उससे आदर्श परिवार की परिकल्पना नहीं की जा सकती, और उससे ज़्यादा आदर्श राज्य की परिकल्पना नहीं। मुझे बुलाया है पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर के मिश्रा जी ने, जो पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिक्स कहाँ दूर है साहित्य से, हर साहित्य के अंदर एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक दृश्य है। वो लोग राजा ही तो हैं जिन्हें हम भगवान करके आराधना करते हैं, वो राजा ही तो थे राम और कृष्ण, और उनके शासन व्यवस्था के कारण ही वो इतने इस ऊंचाई तक पहुंचे कि हमने उनको भगवान की श्रेणी दी। तो वह राजनीति से भी बात जुड़ती, हाँ समाज है तो राजनीति तो है ही। तो इस तरह से जो एक श्रृंखला चलती है, वो श्रृंखला में आज के समय में जब हम आधुनिक युग में आते हैं तो बहुत सारी विधाएँ जुड़ जाती हैं, लेकिन मैं पुरातन काल में ही अभी रहना चाहूँगी क्योंकि मेरे पास पर्याप्त, हालांकि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण मेरा समय कुछ कम हो गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे कहने की स्वतंत्रता दी गई है, तो मैं पुरानी बातें क्यों ना करूं। तो मैं वहां जाती हूं जहां से जीवन जीने के लिए, जब हम सृष्टि का प्रारंभ ही हुआ होगा तो उस समय सभ्यता से मंडली बनाकर जीने के लिए कुछ शर्तें रखी गई होंगी, और उन शर्तों के आधार पर विविध निष्कर्ष निकाले गए होंगे, और हम सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ते हुए समाज का निर्माण करने लग गए, देश का, राज्य का, विश्व का निर्माण करने लग गए, और हमारी जागृति, हमारी चेतना, हमारी सीखने की चाहत इस प्रकार बढ़ती चली गई कि हमने ब्रह्मांड को जान लिया, हमने क्या कुछ नहीं पढ़ा, क्या कुछ, कितने सारे शास्त्र रच डाले गए पृथ्वी पर, जिसको मैं जब बाहर की धरती पर जाती हूँ, तो मैं अभी हाल में यूनान गई थी और मैं बच्चों को, यूनानी दार्शनिकों को पढ़ाती थी, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ाती थी, और जब प्लेटो की धरती पर गई तो मैंने महसूस किया भारतवर्ष से कहीं दूर, कहीं अलग वो नहीं थे, लेकिन उनकी चिंतन परंपरा ने उनको साहित्य से दूर किया था। जैसे कि
प्लेटो के आदर्श गणराज्य में साहित्य और कला कलाएं वर्जित थीं, तो वह समय की मांग थी। समय की मांग बहुत सारी चीज़ें, हमारे यहाँ तो राम राज्य की परिकल्पना है, वह परिवार है और वहाँ सब कुछ है, लेकिन यहाँ ऐसी चीज़ें जो आपको आपको शक्ति से हीन करे, ऐसी प्लेटो के समय में ऐसा चिंतन इसलिए था कि स्पार्टा और एथेंस की लड़ाई 27 वर्षों तक चली थी और उसमें उसी बीच में प्लेटो का जन्म हुआ था। तो प्लेटो ने क्या देखा? छल देखा, छद्म देखा, अपनों में लड़ाइयाँ देखी, तो उनके अंदर ये बात आ गई कि क्योंकि हम बुद्धिवादी हैं, एथेंस बुद्धिवादी था, स्पार्टा शक्तिवादी था, तो उन्होंने कहा कि हमने बुद्धि के भरोसे रहकर शक्तिहीन हो गए, और इसीलिए उन्होंने शक्ति अर्जन करने के लिए कहा कि हम साहित्य और कलाओं में डूब कर नहीं रह सकते, हमें शक्ति अर्जन करने के लिए, तो उनके आदर्श गणराज्य में कलाएं बाधित हो गईं। लेकिन बाद में उन्हीं के सिद्धांतों को आगे बढ़ाकर अरस्तु ने नवीन समीक्षा की थी, लेकिन मैं उधर नहीं जाके अपने भारतवर्ष की संस्कृति पर आऊँगी, तो फिर हम देखते हैं कि हमने अपने संपूर्ण साहित्य के इतिहास को समाज के आधार पर चार खंडों में बांटा, रचना पद्धति के आधार पर और समय के आधार पर। समाज का आधार इसलिए मैं मानती हूँ कि हमारा जो आदिकाल था वह दो हिस्सों में बटा हुआ था, दो सामाजिक हिस्सों में बटा हुआ था, वह एक राजा और एक प्रजा, बस दो ही जातियां थी वहां पे, उसमें ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई और व्यवस्था, ना कोई ये, लेकिन उसमें सिर्फ था कि राजा पीढ़ी दर पीढ़ी राजा हो रहे हैं और प्रजाएं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाएं, और साहित्यकार प्रजाओं के बीच से निकलकर सामने आते हैं, तो वह उन्हीं राजाओं के वीरता का चयन करते हैं अपने विषय के लिए और उनकी वीरताओं पर का गायन करते हैं और उन गायन से समाज को जीने की राह बताते हैं। और उस समय मुख्य जो बातें थी वह थी हमारी वीरता, वीरता ही राजा के सबसे प्रचंड गुण थे और सबसे प्रमुख गुण थे, जिसको आधार बनाकर वीर गाथाकाल नामकरण आचार्य शुक्ल ने किया था। लेकिन उस समय भी थोड़ी भक्ति की पद्धति भी चल रही थी, तो इसीलिए वह नाम ज़्यादा नहीं चला और उसको आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा और ये आदिकाल चला। और उस समय के जो साहित्य हैं वह साहित्य आज भी आंखों में आंसू ला देते हैं, जब हम रासक पढ़ते हैं, रासो ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उनकी वीरताओं को सुन सुनकर कैसे पृथ्वीराज ने किस प्रकार अपना बलिदान देकर, या फिर जितने भी राजाओं ने उस समय लड़ाइयां लड़ी विदेशी आक्रांताओं से, तो किस प्रकार लड़ाइयां लड़ लड़कर अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, तो ऐसे आंसू भरे गीत वहाँ मिल जाते हैं। लेकिन समय एक जगह स्थिर नहीं रहता, समय आगे बढ़ता है, वृत्तियाँ बदलती हैं। हम जो राजा की आराधना कर रहे थे, राजा के गुणगान कर रहे थे, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना करते थे, ईश्वर के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई लोगों की, ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या सर्जित करता है, ईश्वर किस प्रकार हमें संचालित करता है, इसकी जिज्ञासा बढ़ गई। और ऐसे में हम देखते हैं कि इस जिज्ञासा ने कुछ आराध्य देव की खोज की कि हम कोई तो है, जैसे कि मनुष्य ही देवता और मनुष्य ही दानव है, ये तो हम जानते हैं, मनुष्य के अंदर ही देवता का वास है और दानव का वास है, लेकिन हम जब सिर्फ देवता रह जाते हैं, अपने अंदर के दानव को मार डालते हैं, तो हम ही देवता हो जाते हैं, और अपने अंदर के दैत्य को मार डाल देवता को मार डालते हैं, तो हम ही दैत्य हो जाते हैं। तो हमने दो राजाओं को आराध्य चुना था और वो थे राम और कृष्ण। राम से विरल नायक नहीं होगा, राम से विरल राजा नहीं होगा, जिसने राज्य के लिए सिर्फ बलिदान किया, उसने छोटी सी उम्र से सिर्फ बलिदान किया, परिवार को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, कितनी तकलीफें झेली और अंत में किस प्रकार उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जनता के एक एक वचन को, एक एक विद्रोह को उन्होंने ध्यान में रखा और अपने बलिदान से इसको पाटा। हम इसको आज महिलावादी लोग कहती हैं कि सीता को उन्होंने, लेकिन क्षत्रिय का परम धर्म राष्ट्र धर्म होता है और राष्ट्र धर्म के आगे वो अपनी प्रेयसी, अपनी प्रिया
सीता को से अलग होना भी वो स्वीकार कर लेते हैं, और ऐसे में सीता अलग होती हैं। उसके लिए किसी राजा को उंगली हम नहीं उठा सकते, क्योंकि उसने राष्ट्रधर्म का पालन किया था और वह समय की मांग थी, और इसीलिए उस राजा ने अपना संपूर्ण बलिदान देकर राज्य की रक्षा की थी। इसीलिए आज रामचरितमानस के इतने अनुवाद हुए हैं जितना कि विश्व में किसी भी ग्रंथ का नहीं हुआ होगा, और उस आदर्श व्यवस्था की इतनी प्रशंसा की गई जितनी किसी भी व्यवस्था की नहीं हुई। और आज भी अगर किसी का घर खुला रह जाए तो कहते हैं राम राज समझ लिया क्या। राम ने अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए निछावर किया था। उसी प्रकार कृष्ण को हमने नायक चुना था। कृष्ण जो सिर्फ तकलीफों में पैदा होता है, सिर्फ दर्द में पैदा होता है, लेकिन उसने सिर्फ आनंद बांटा था। कृष्ण ने सिर्फ आनंद बांटा था। कृष्ण 7 बच्चों की मृत्यु, जिसके जन्म से पहले उसकी मृत्यु तय की जाती है, उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा की जाती है, उसको मारने के लिए 7 बच्चे मार डाले जाते हैं, उसके माता पिता का क्या हश्र होता है, वैसा कृष्ण जन्म लेते ही आनंद बिखेरना शुरू करता है। कैसा आनंद बिखेरता है वो जहाँ जाता है उसकी वंशी की धुन में सभी बंध जाते हैं, और वंशी ही की धुन नहीं, वह आगे बढ़कर महान गीता का सर्जक होता है। किस प्रकार उसने नीति, न्याय और भावुकता सबको अपने व्यक्तित्व में स्थान दिया था, तो ऐसे उस नायक को क्यों न हम आराध्य माने। तो राम और कृष्ण की परंपरा चली और राम कृष्ण की शाखाएं चली, राम भक्ति की शाखा और कृष्ण भक्ति की शाखा, जिसके 2 प्रतिनिधि कवि माने गए। तुलसी से बड़ा राम भक्त नहीं माना गया, इसलिए तुलसी ही राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। और सूर से बड़ा सुकोमल भाव लिखने वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ तक कह दिया था कि यह वात्सल्य वर्णन जो सूर ने रच दिया, इससे आगे शायद कभी भी भविष्य में भी कोई इससे सुंदर वात्सल्य का वर्णन नहीं कर सकता। उस अंधे सूर ने, जिसने कभी किसी बच्चे को नहीं देखा था, सिर्फ परिकल्पना के आधार पर किस प्रकार उसने, या फिर उसने स्पर्श किया होगा, और उस आधार पर उसने किस प्रकार बालकपन के ऐसे वात्सल्य, जसोदा हरिपाल नय झुलावे, हल रावे दुल रावे, जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आओ ने दरिया काहे ना आने सुनावे, कोई भी एक सामान्य नारी दिखाई दे जाती है जो अपने बच्चे को कुछ कुछ कह के बहलाती फुसलाती सुलाती है, ऐसे दृश्य कैसे वह रच गया। गुठुर चलत रेणु तन मंडित मुखद दिलेप कियो, चार कपोल लोल लोचन गोलोचन तिलक दिए। जो भी माता होती है एक बार अपने बच्चे को कान्हा जरूर कहती है कि मेरा बच्चा कान्हा की तरह सुंदर है, यानी बालक के सौंदर्य की मिसाल बन गया वो श्रीकृष्ण। तो श्रीकृष्ण को क्यों ना आराध्य माने, और इसलिए श्रीकृष्ण और श्री राम 2 आराध्य देवता हमारे माने गए। लेकिन हमारे यहाँ चिंतन की पद्धति बहुत पुरातन थी, और हम सिर्फ सगुण गायक नहीं थे, हम बहुत गहरे लोग थे, हम बहुत आध्यात्मिक साधक लोग थे। हमारे साधना की भी बहुत गहरी बातें कही गई हैं, और बहुत पुरानी प्रणालियां विकसित हैं, और वैसे में घट घट में वह साई रमता की परिकल्पना आती है। भगवान कण कण में निवास करता है, भगवान सिर्फ मूर्तियों में निवास नहीं करता, भगवान को तो हम अपने अंदर ही महसूस कर सकते हैं, और बाहर करने से हमारी सामाजिकता खंडित होती है। कभी कभी जब हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ पीरियड गुजरता है, मुगल पीरियड आता है, तो वैसे में हमारी धारणाएं बहुत इतना प्रगाढ़ हो जाती हैं कि हम रूढ़ हो जाते हैं, हम खुद क्रोधी हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं। और ये जिस भगवान की हम आराधना करते हैं उसी भगवान के सिद्धांतों को तोड़ डालते हैं। तो वैसे में एक भावना उभरी कि भगवान हमारे अंदर है। कबीर साहब कहते हैं, जह जह जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कछु करूँ सो पूजा। जैसे कि श्री कृष्ण ने महाभारत की गीता में कही दिया था कि कर्म योग ही, हम कर्म ही योग है, सच्चा योग है, हम कर्म करते चलें तो भगवान के प्रति हमारी ईमानदारी साबित होती है। उसी प्रकार कबीर साहब ने कहा था कि जह जह जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कछु करूँ सो पूजा। आज भी इसी सिद्धांत को अगर हम माने तो हमारा समाज कभी भी खंडित नहीं होगा, हम राष्ट्र को बहुत मजबूती दे सकते हैं। ऐसी बातें हमारी संस्कृति में, हमारे पुरातन सिद्धांतों में, हमारे साहित्य में पहले ही कह दी गई थी, और जिनको आगे हम
अपनी अपने कांधे पर लिए चलते हैं, अपने पूर्वजों की बातें, अपने पूर्वज साहित्यकारों की बातें। तो इस प्रकार एक युग का निर्माण हुआ था साहित्य के इतिहास में, जो समाज को दृष्टिकोण में रचा गया था, और इसे स्वर्ण युग कहा गया था। इसे स्वर्ण युग क्यों कहा गया होगा? इसे स्वर्ण गोल्डन पीरियड कहकर संपूर्ण विश्व में इसको मान्यता क्यों दी गई होगी? इसलिए कि यह एक आदर्श की स्थापना करने में बड़ा ही सफल साहित्य का काम है। और ये जो सर्जक थे सूर, तुलसी, कबीर और जायसी, प्रेम का तत्व, हमारी संस्कृति में प्रेम को बहुत महत्व दिया गया है। प्रेम ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सु पंडित होए, हाँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ कर कोई पंडित नहीं हो सकता। पंडित होने के लिए आपके अंदर अनुराग होना चाहिए, आपके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए, आपके अंदर, अगर आपने पोथी पढ़ी और उसका गुणन ही नहीं किया, अगर उसको चिंतन ही नहीं किया, उसको समझा ही नहीं, तो हम पोथी पढ़ के विद्वान नहीं हो सकते। अगर ढाई आखर प्रेम हमारे अंदर अवस्थित है तो हम जीवन को समझ सकते हैं और हम पंडित भी हो सकते हैं। और कबीर साहब ने साबित किया था, कबीर जिसको कि हम सब जानते हैं, आपके वाराणसी के ही लहर तारा तालाब के किनारे वो पड़े हुए मिले थे नीरू नीमा नामक दंपति को, और उन्होंने किस प्रकार अपनाया था, फिर भी उनको लांछित किया गया कि वह नाजायज बच्चा है, और उसके कारण उसकी औपचारिक शिक्षा नहीं होती है, और औपचारिक शिक्षा नहीं होने वाला वह बालक ज्ञान मार्ग की शाखा का प्रतिनिधि होता है। आप समझ लीजिए उसने कितना ज्ञान अर्जित किया था कि उसे ज्ञान मार्ग की शाखा का प्रतिनिधि कहा गया। और हमारी पूजा विधि के या फिर हमारी भक्ति के दो जो श्रृंखलाएं चल रही थी, सगुण और निर्गुण, तो निर्गुण की का वह प्रतिनिधि होता है, और निर्गुण में भी ज्ञान मार्ग की शाखा का प्रतिनिधि होता है। और हमारे जायसी जो सूफी संत थे, उन्होंने भारतवर्ष से एक प्रेम कहानी चुन ली, भारतवर्ष से ही एक प्रेम कहानी चुन ली, वह थी राजा रतन सेन और पद्मावती की कहानी। राजा रतन सेन और पद्मावती की कहानी, जो हम लोग बचपन में कहानी सुना करते थे कि एक नारी होती है कहीं सुदूर, एक नारी होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, तो वो शीशा के सामने बैठ जाती, रोज़ तैयार होके सज धज के बैठ जाती और रोज़ पूछा करती दर्पण दर्पण, ये तो बता मुझसे सुंदर नारी देखी भला। तो सचमुच वो बहुत सुंदर होती थी, तो वो उसका दर्पण बोलने वाला था तो वो कहता, नहीं नहीं तुमसे सुंदर नारी हमने कहाँ देखी, यह नागमती थी। और पद्मावत प्रदेश में एक पद्मावती थी वहाँ की राजकुमारी, और उसका एक सुग्गा था, वो सुग्गा उसका बड़ा चहेता था। तो एक दिन उड़ता उड़ता नागमती के पास चला आया और उसने ये उनको बात करते हुए दर्पण से सुन लिया, तो उसने कहा कि नहीं नहीं तुमसे भी सुंदर, बहुत सुंदर पद्मावती है। और पद्मावती को जो वो वर्णन कर रहा था उसके रूप सौंदर्य को, वो राजा रतन सेन ने सुना, और ये सब एक प्रतीक काव्य उन्होंने चुना था। सुग्गा जो है वह गुरु का प्रतीक है, राजा रतन सेन आत्मा के प्रतीक हैं, और रानी पद्मावती ब्रह्म की प्रतीक है, और वह आत्मा जब गुरु के मुख से ब्रह्म की प्रशंसा सुनता है तो आत्मा किस प्रकार विचलित होकर ब्रह्म की खोज में निकल पड़ता है, यही कहानी उन्होंने प्रेम को आलंबन बनाकर कहा था। इसीलिए प्रेम मार्गी शाखा के वो प्रतिनिधि होते हैं, और ये चार स्तंभ हो जाते हैं भक्तिकाल के। मुझे भक्तिकाल पर चर्चा करते हुए मैं बहुत आनंदित हो जाती हूँ, क्योंकि इन कवियों को रूह से अनुभव किया जा सकता है, आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। और आज जो हम समाज और राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर इन साहित्यकारों को हमने हृदय में स्थान दिया होता और उनकी एक एक वाणी को हमने अपनी ज़िंदगी में उतारी होती, तो आज यह स्थिति नहीं आती कि हम अपनों से लड़ते हैं, अपनों को मारते हैं और वातावरण खराब करते हैं। तो इन साहित्यकारों की यह जो वाणी है वह संकलित है हमारे साहित्य में, और यही साहित्य हमारा अध्यात्म है, हमारा दर्शन है। हम ये काल छोड़ना नहीं चाहते हैं, यह काल चर्चित करते रहना चाहते हैं, किंतु समय बदलता है, यथा राजा तथा प्रजा। मुगल पीरियड में कुछ विकृतियां भी आई थी, बाद के समय में जो विकृतियां लुटेरों की शक्ल में जो लोग आएंगे तो वो हमारे यहाँ कुछ बहुत अच्छी चीज़ें तो देंगे नहीं, शोषण ही करेंगे। तो हमारे यहाँ वर्ग भेद बना, जाति भेद बना, धर्मवाद बना, बहुत सारी चीज़ें विकृतियां बनी,
तो साहित्य भी विकृत हुआ था, साहित्य भी कलंकित हुआ था। जिन राजाओं को, जिन देवता बनाया था हमने, जिनको भगवान बनाया था, आज भी हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, उस कृष्ण के नायकत्व का विपर्य, चरित्र विपर्य कर दिया था रीतिकाल में आकर। भक्तिकाल के बाद हम रीतिकाल में प्रवेश करते हैं, तो रीतिकाल में आकर उनके चरित्र का नाश कर दिया था और साहित्य का ऐसा स्वरूप सामने आ गया कि हमारे आज के बच्चे बोलने लग गए कि कृष्ण कौन सा भगवान हुआ, वो भी तो लड़कियों को छेड़ता था, वो भी तो उनके कपड़े लेकर भागता था। ये सारी चीज़ें, प्रश्न ही कैसे उठता है उस प्रतीक ग्रंथ में जो सूरदास ने लिखा या फिर भागवत में वर्णन है, जिसके दशम अनुक्रमणिका को सुनकर ही हमारे बल्वाचार्य के मुख से सूरदास सूरदास हो गए थे। सूर सूर तुलसी ससी उद्गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करें प्रकाश, सूरदास सूर्य की तरह चमकीले माने गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बंद आँखों से कृष्ण को अनुभव किया था, और वो भी कैसे, सिर्फ बल्लभाचार्य के मुख से सुनकर। साहित्य का यह उपयोग होता है, यह असर होता है कि किसी का संपूर्ण व्यक्तित्व तो ही बदल जाता है। जो सूर अपने आप को कोसता रहता था, अपने अंधे होने की हीन भावना पाले हुए था, प्रभुओं सब पतितन कौटी को जो और पतित सब दस चारी के हों तो जन्मत ही को, यानी अपने आप को पतितों का सर्वस्व मान चुका था, सर्वोपरि पतित मान चुका था। वह इतना आगे बढ़ता है बल्वाचार्य के संपर्क में आकर और उस भागवत पुराण को सुनकर। तो इस प्रकार साहित्य का क्या महत्व था, उस श्री कृष्ण को बिल्कुल ही साधारण नायक के रूप में चित्रित किया जाने लगा, उन्हें उनके चरित्र को नाश करने का कुकर्म किया गया जो उन साहित्यकारों को महसूस हो रहा था। उन्होंने लिखा भी था आगे के सुकभी रिझिए तो कविताएं नतुरादिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। वह आगे के सुकभी उनकी रचनाओं पर रिझेंगे यह विश्वास उनको नहीं था, लेकिन हर काल अपनी नकारात्मकता में कुछ सकारात्मकता देकर जाता है। हर साहित्य, हर विधाएं अपने अगर नकारात्मक परिस्थितियां में भी लिखी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लोगों के हृदय में आने के लिए कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आना पड़ता है। तो ऐसे में ही उन्होंने काव्यशास्त्र, सुंदर काव्यशास्त्र रच डाला। उस काव्यशास्त्र के माध्यम से उन्होंने रचनाएं, जितने हम छंद अलंकार वक्रोक्ति जो बातों में माधुर्य ये सब देखते हैं, वो सब रीतिकाल की देन है। आगे आकर काव्यशास्त्र बन गया और उस काव्यशास्त्र को हम नष्ट नहीं कर सके। आगे के बहुत सारे समीक्षकों ने महसूस किया था कि नहीं, रीतिकाल के साहित्य हमारे बच्चों को मतिभ्रम में डाल सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए यह साहित्य आगे कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन उस काल ने जो शास्त्र दिया, जो मनोरंजक शास्त्र दिया था, ललित शास्त्र दिया था, उस लालित्य को हम नहीं छोड़ सकते थे, और वही आज आधार हिंदी साहित्य में कविता सीखने के लिए वो आधार बनता है। वो काल, तो वो काल कैसा भी था, लेकिन उसने एक सुंदर शास्त्र बनकर अपने आप को प्रमाणित किया हिंदी साहित्य के इतिहास में। और समाज तो बदलता है, समाज बनने के लिए समय तो बदलता है, समय आगे बढ़ता जाता है, समय अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहा कर ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं लेकर आते हैं। जब मुगल पीरियड खत्म होता है, अंग्रेज़ों का शासनकाल आता है, तो बहुत सारी आधुनिक चीज़ें आती हैं हमारे यहाँ, लेकिन हम चेतन होने लग गए थे कि हम अपनी ही मिट्टी पर गुलाम क्यों हैं। यह आपकी सामाजिकता है, साहित्य किस प्रकार सामाजिक चेतना से गुजरता है, कि हमारे अंदर यह भावनाएं आ गई थी कि हमारा स्वाभिमान कहाँ चला गया। आधुनिक युग का सबसे बड़ा जो महत्व है वह है स्वाभिमान जागृत करने का। समाज में स्वाभिमान जागृत होगा तभी हम समझेंगे कि यह हमारी मिट्टी, यह हमारी मातृभूमि, यह हम इसके रक्षक हैं, हम इसको रक्षा करेंगे और हम इसको आज़ाद करेंगे। यह भावनाएँ साहित्यकारों ने महसूस की और इसको पीढ़ियों में आरोपित करने के लिए कृत संकल्पित हुए। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आधुनिक काल में आकर अभी मैं जो साहित्य की चर्चा कर रही थी, इसके पहले भी मैंने कहा था कि गेय था, सब कुछ गेय था, गाते थे। बहुत सुंदर दादी नानी की कहानियाँ आप स्मरण कीजिए, परियों की कहानियाँ, भूत प्रेत की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ लोक में प्रचलित थीं, और इन कहानियों का बच्चों के निर्माण में बहुत असर होता था। जब तक हम दादी नानी की कहानी ना जीवन से निकल नहीं सकता, आगे अभी भी पीढ़ियाँ हैं जिनको हम, मैं भी अपनी नतनी को कहानी सुनाया करती हूँ, तो ये कहानी की जो श्रृंखला है वो कभी खत्म नहीं होगी, आगे की भारतवर्ष की संस्कृति में नहीं मिटने वाली है, तो ये तो श्रृंखला चलेगी। लेकिन इसको हमने नई विधा के
के रूप में आधुनिक काल में बनाया था, और इसका जो मकसद था वह मकसद था कि हमें हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी है, हमें मजबूती से छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। हमारी नैतिकता इसमें थी कि हमारी ओर जो हाथ बढ़ रहा है उसको तोड़ मरोड़ कर फेंक देने की आवश्यकता है। यह हमारी मिट्टी है, यह हमारा गौरव है, यह हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, और हम अपनी माँ को कैसे रौंदते हुए देख सकते हैं, ये भावनाएँ लोगों में विकसित करना बहुत आवश्यक था। और इसके लिए एक भाषा का निर्माण बहुत जरूरी था कि अगर भाषा नहीं बनी तो फिर हम सीधे सीधे संपर्कित नहीं हो सकते, सीधे सीधे बातें नहीं कर सकते। सीधी बातें करने के लिए एक ऐसी भाषा चाहिए जिसमें कोई गायन नहीं हो, सीधी बात हो, यानी दिमाग से दिमाग का संपर्क हो, संप्रेष नहीं आता, बिल्कुल ही सीधी सादी हो। और इसके लिए खड़ी बोली हिंदी, हालांकि अमीर खुसरो के समय से ही खड़ी बोली हिंदी की नींव थी, लेकिन साहित्य नहीं रचे जा रहे थे, साहित्य आधुनिक काल में, तो फिर भारतेंदु जैसा एक महान साहित्यकार जो कम उम्र में जाता है, बहुत कुछ देकर चला जाता है, इतना कुछ देकर जाता है, वह नींव बनाकर जाता है, आधुनिक युग का नींव है वो, और उसी के ऊपर एक भवन खड़ा हुआ आधुनिक काल का। तो भारतेंदु ने भारतेंदु मंडल का निर्माण किया था, और उस भारतेंदु मंडल के माध्यम से पत्रिकाएं निकलनी शुरू हुई थी। ये पत्रिकाएं क्यों निकलनी होगी? सामाजिक चेतना के लिए, जिस साहित्य और समाज की हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं इस कोरोना के प्रसंग में। कोरोना एक बीमारी थी और उस बीमारी है अभी, और उस बीमारी से बचाव अभी हम संभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी हमारा साहित्य, हमारे यहाँ के बड़े बड़े चिंतक इस बीमारियों के बारे में भी बहुत सारे उपाय देते चले गए हैं। यानी हमारा शरीर स्वस्थ हो और हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा हृदय मजबूत हो, हमारा मन मस्तिष्क मजबूत हो, तो हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। अगर हमने अपनी परंपरा का ख्याल रखा होता, अगर हमारी संस्कृति उतनी ही जागृत और मजबूत बनी रहती, तो आज हम इन बीमारियों को अपने पास फटकने भी नहीं देते, क्योंकि अभी भी इम्यूनिटी की बात की जा रही है। इम्यूनिटी की बात करें, हम इम्यून होते थे, हम हमारे ऋषि मुनि पता नहीं कितने साल जी जाते थे और उसकी कोई गणना ही नहीं होती थी, तो हम भूले हुए होते थे, हमें उम्र की कोई परवाह नहीं रहती थी, हम भूले हुए लोग रहते थे और बहुत जीते थे। लेकिन धीरे धीरे इम्यूनिटी घटती है तो बीमारियां प्रबल होती हैं, और साहित्य ही ये आयुर्वेद और ये सब साहित्य ही तो था, तो इसके माध्यम से हम लोगों को शारीरिक सौष्ठव भी दे रहे थे। तो आज के समय में हमें मन के सौष्ठव की आवश्यकता थी, चित्त के सौष्ठव की आवश्यकता थी, शरीर के सौष्ठव की आवश्यकता तो थी ही, हमारे मर्यादा की बात आ गई थी कि हमें अपने मान और मर्यादा के लिए काम करना है, तो पत्रिकाएं निकलनी शुरू हो गई। तो उन पत्रिकाओं में आपके BHU के बड़े बड़े विद्वान जो उस समय सरस्वती पत्रिका से जुड़े थे और रामचंद्र शुक्ल बाद में इतने बड़े समीक्षक हुए, उन्होंने उसमें कहानियाँ भी लिखी थी छोटी छोटी, और लिखना शुरू किया था उसी समय भारतेंदु युग बाद में जाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का प्रकाशन किया था। इसके पहले भारतेंदु मंडल के माध्यम से बहुत सारे काम किए थे, और विभिन्न चरणों में ये साहित्य, ये चिंतन, ये परंपराएं, ये सामाजिकता, ये चलती रही। आगे जाकर हम प्रेमचंद जैसा एक साहित्यकार पाते हैं जिसको समाज का चितेरा कहा गया है, लेकिन हम पहले भारतेंदु युग से पत्रिकाएं निकली, और वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं विधाएं आई, कहानी की विधा, जो हम मैंने अभी दादी नानी की कहानी की बात की थी, तो कहानी की विधाएं सामने आई हैं, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी, नाटक, ये सारी विधाएं आधुनिक काल में सामने आई। और उस समय जो लेखन हो रहा था उसका एक ही उद्देश्य होता था कि हम कहीं ना कहीं कोई संदेश दे रहे हैं देश की जनता को कि आपको स्वतंत्र होना है। स्वतंत्रता आंदोलन के पृष्ठभूमि के रूप में ये साहित्यिक कार्य देखे जा रहे थे। लिखावट हमारी, चिंतन हमारे और संदेश हमारे सब आज़ाद होने के लिए थे, और भारतेंदु कम ही समय में चले जाते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी का उदय होता है। ऐसा विद्वान, ऐसा भाषा प्रेमी विरल है। भाषा से ये लगाव अगर आज हमारे पास
हम यही लगाव लेकर हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती तो आज हम अंग्रेजी के इतने दीवाने नहीं होते, आज हम अंग्रेजी न जानने की हीन भावना नहीं पाल रहे होते। हमें अपनी मातृभाषा पर बहुत गौरव होता और हम एक ही मातृभाषा से जुड़े हुए लोग होते। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी एक युग का प्रतिनिधित्व करके चला जाता है और उसके वो संदेश, वो प्रेम भाव पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाते हैं आज के समय में, जब हम अंग्रेजियत के इतने प्रभाव में आ जाते हैं। हम गुलामी से मुक्त हो गए, हम अंग्रेजों को भगाकर मुक्त हो गए, लेकिन हम मानसिकता से मुक्त नहीं हो सके हैं जिसके लिए युद्ध चल रहा है। हम जैसे लोग भी युद्धरत हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को हिंदी बोलने के लिए बहुत प्रोत्साहित करती हूं और अंग्रेजी के शब्द कितने कम आए आपकी भाषा में यह प्रयास करती हूं। हमारे बच्चे भी बहुत गौरव से हिंदी बोलते और लिखते हैं हमारे विद्यार्थी, और वो इस पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमें ऐसे संकल्प लेकर उसी मान मर्यादा को आगे बढ़ा कर लेकर चलना है हिंदी भाषा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हुए। अभी हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर रहे थे। द्विवेदी जी ने जब सरस्वती पत्रिका निकाली थी और उसमें जो लोग लिखते थे उसको वो एक तरह से रीराइट करते थे, वो दोबारे लिखते थे, उसको दोबारे समझते थे, पढ़ते थे, भाषा का एक भी दोष उसमें जाने देना नहीं चाहते थे। और उसी के माध्यम से ढेर सारे लेखक जो आगे जाकर लिखने लग गए, बड़े बड़े कहानीकार समीक्षक हुए, वो उसमें लिखना शुरू करते हैं। पत्रिकाओं का बहुत योगदान था। आज तो रिपोर्टिंग की क्या हाल है आप लोग देख ही रहे हैं, हम सब देख ही रहे हैं, कितने सारे चैनल बन गए हैं, कितने सारे पेपर्स निकलते हैं, कितने सारे न्यूज़ अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, और इस माध्यम से बहुत सारे पद सृजित हो गए, बहुत सारे काम होने लग गए। तो यह एक बहुत उम्दा विधा के रूप में, संवाद विधा के रूप में समक्ष आया। तो ये एक नवीन विधा थी हमारे आधुनिक काल में। समय अगर मुझे और मिले तो मैं कुछ 15-20 मिनट और बोलना चाहूँगी और उसके बाद मैं समाप्त कर दूँगी। आधुनिक काल में आकर जब यह विधाएं मैं बात कर रही थी यात्रा वृत्तांत की, यात्रा करना सीखने का बहुत सुंदर माध्यम है। यात्रा करके जितना हम सीखते हैं, कबीर साहब को तभी तो कबीर थे कि उन्होंने बहुत यात्रा की थी। यात्राएं हमें शिक्षण का सबसे सुंदर, बहुत सुंदर माध्यम है, और उससे उसके जो वृत्तांत हैं वो साहित्य की विधा में क्यों न शामिल हों, क्योंकि हमें सारे लोग घूम नहीं पाते लेकिन उसको पढ़ कर आनंदित हो सकते हैं, सीख सकते हैं, इसलिए यात्रा वृत्तांत का बहुत महत्व है। और उसी के साथ मैं डायरी की भी चर्चा करूंगी। बड़े लोग, साधु लोग, चिंतक लोग जो अपनी डायरी लिखते हैं उसमें भी बहुत मूल्यवान बातें होती हैं, उनसे बहुत सीखा जा सकता है। हम दिनकर की डायरी देखते हैं जिसमें कौन सा ऐसा पक्ष होगा जीवन का जिसमें उन्होंने चर्चित नहीं की। और मैं तो अपने माता पिता की डायरी से भी बहुत सारे सूत्र निकालती हूँ और पढ़ती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। तो डायरी भी साहित्य की बड़ी अच्छी विधा है और उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है और लोग पढ़ते हैं। हिंदी कहानी का तो बहुत प्रचलन हुआ, आजकल तो लघु कथा भी चल निकला है। कम समय में कहानी के पूरे तत्व समाहित करके अगर लिख दिए जाएं तो वो लघु कथा है, और कहानी के सारे तत्व जीवन में स्थापित रहे हैं। जैसे कि मुझे कहानी जो हर विधा में सूट कर जाती है, कहानी हर विधा में प्रवेश कर जाती है, वह काव्य हो, महाकाव्य हो, नाटक हो, मुझे बहुत सारे प्रसाद के डायलॉग याद रह गए, संवाद याद रह गए, क्योंकि वह जिस भावभूमि पर लिखते थे उस भावभूमि में उतरकर अगर पढ़ते हैं तो चीज़ें याद आ जाती हैं। कहते हैं कुमार, मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो, मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा, तो फिर वही क्यों ना हो। मृत्यु के गह्वर में जाते हुए मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी तुम्हारा यह मेरी सहचरी तुम्हारा यह ध्रुव स्वामिनी का वेश, ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो फिर किस काम का। क्या व्यंग है, कितना लालित्य है इस संवाद में, मैं मुग्ध हो जाती थी ध्रुव स्वामिनी पढ़ते हुए। तो नाटक बड़ी सुंदर विधा, बहुत सारे संवाद ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मैं बोल ही दूँ लेकिन संभव नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अभी और कुछ और चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहूँगी। तो यह एक विधा भी बहुत महत्वपूर्ण विधा थी और सब बहुत प्रफुल्लित हुए, बहुत प्रस्फुटित हुए, बहुत आगे बढ़े महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में। और बाद में हम आगे जाकर आधुनिक काल में छायावाद में आते हैं। छायावादी एक काव्य आंदोलन कहते हैं उसको,
कोई भी एक पीढ़ी जो नई पीढ़ी नव चेतना नव चिंतन नई सोच लेकर आती है तो पुरानी पीढ़ी घबरा जाती है। उसको ऐसा लगता है कि शायद ये असफल हो जाएंगे इस रास्ते पे, शायद वो सफल ना हो सकें, इसलिए वो उसको सचेत करती है। तो पुरानी पीढ़ी ने छायावाद के उदय के समय उसका विरोध किया था, उसे कहा था कि ये छायावादी लोग हैं, शैडो के पीछे भागते हैं, छाया के पीछे भागते हैं। जबकि उस समय पश्चिम में रोमांटिसिज्म का आंदोलन चल रहा था। रोमांटिक लोग वो होते थे जो कुछ विश्राम पाना चाहते थे, कुछ अपने अंदर डूबना चाहते थे। कुछ चिंतन के ऐसे क्षण होते हैं जब हम दार्शनिक मूड में चले जाते हैं, हम भगवान से साक्षात्कार कर लेना चाहते हैं, हम कुछ आध्यात्मिक हो जाना चाहते हैं। ऐसे में छायावाद का उदय होता है और हम सब जानते हैं पुनः एक स्वर्ण युग का निर्माण हुआ था। पुनः एक स्वर्ण युग का निर्माण हुआ था, एक गोल्डन पीरियड बना दिया छायावादियों ने, जिस छायावादियों ने कविता का ऐसा स्वरूप हमारे समक्ष रखा कि विश्व में वैसा काव्य का स्वरूप हम नहीं देख सके। और आज भी कितने भी प्रयोग कर लें, कितने भी, लेकिन हम पलट कर उन चार स्तंभों को छोड़ नहीं सकते। वह प्रसाद, महादेवी, पंत और निराला, इन चारों को छोड़ा ही नहीं जा सकता। ये साहित्य के ऐसे स्तंभ हो गए कि इतने हृदय में प्रवेश कर गए कि इन मतलब मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ। और सारे लोग महादेवी को कौन क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या कहती हैं। कबीर याद आ जाते हैं जो कहते थे जह जह जाऊँ जो जो कछु करूँ सो पूजा, क्या पूजा क्या अर्चन रे। अध्यात्म का ऐसा स्वरूप और फिर प्रसाद को पढ़कर तो जितना ही अंदर जोश और उमंग का संचार होता है, उतनी ही दार्शनिक गहराई जब हम कामायनी पढ़ते हैं, तो प्रसाद और महादेवी का क्या कहना। अंत में पंत और निराला जी प्रगतिवादी हो जाते हैं। पंत जो उन्हीं प्रकृति की पंखों पर उड़ता हुआ विचरण करता है, ऐसे ऐसे काव्य दिए, इतनी सुंदर प्राकृतिक दृश्यावलियाँ पंत ने दी। पंत का जो घर है कौसानी में, इतना सुंदर, मैं गई तो ऐसा कोई सच में कोई कवि बन जाए ऐसा संभव है। और पंत तो पंत थे, इतने मृदुल इतने सुंदर पंत को पढ़कर और उतने ही प्रगतिशील, अंत में उन्होंने कह दिया कितनो चिड़िया उड़े आकाश, दाना है धरती के पास, धरती के पास तो उतरना ही पड़ता है। और वो धरती पर उतरते हैं और वह ग्राम्या जैसे परिवर्तन जैसी रचनाएं दे जाते हैं। जो पल्लव गाया करते थे, जो निशान जो नौका विहार में डूब रहे थे, जिनने प्रकृति की ऐसी सुंदर सुंदर परिकल्पनाएं, जो ताज के विषय में उन्होंने बिल्कुल आधुनिक दृष्टिकोण दिया था कि यह मृत्यु पूजन का एक प्रतीक है ताज, ऐसा कभी नहीं कहा गया जो पंत ने कह दिया। तो पंत ने जीवन को द्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पत्र, जो जीर्ण पत्र हो गए हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं उनको टूट जाना चाहिए, उन्हें झड़ जाना चाहिए, अब नवयुग का निर्माण होना चाहिए, नई संकल्पनाएं आनी चाहिए, नई प्लानिंग होनी चाहिए, नए ढंग से जीवन का विकास होना चाहिए, ऐसी चीज़ें लेकर वो प्रगतिवादी बन जाते हैं। और निराला की तो बात ही क्या, जब राम की शक्ति पूजा हम पढ़ते हैं तो राम की शक्ति पूजा हम उसमें डूब जाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने शक्ति का आराधन किया। वह एक अमूल्य रचना है निराला की। और निराला जब प्रगतिवादी बनते हैं तो भी निराला और पंत में एक महीन सी रेखा है, दोनों ही ऊर्जस्वित हैं लेकिन पंत सुकोमल हैं। बादल राग गाते हुए दोनों कवि जब कहता है, एक कहता है सुनो गगन के गान गरज गंभीर स्वरों में, भर अपना संदेश उरों में और अधरों में। जब उरों और अधरों की बात करता है पंत तो पंत हो जाता है। और निराला कहता है झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। यह निराला होता है, उसका पौरुष, उसकी क्या व्यक्तित्व है, दोनों में दोनों की अपनी खासियतें हैं, दोनों इतने सुंदर कवि की मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। तो निराला और पंत को पढ़ना
तो क्या ही आनंद का विषय है। मैं निराला की एक कविता हमेशा हृदय में, एक तो उन्हें मार्क्सवाद के का छाप लगा दिया गया था, वैसे तो वो प्रगतिवादी थे, लेकिन अबे सुन बे गुलाब इठला मत जो पाई तूने खुशबू रंगो आप, चून खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। एक कैपिटलिस्ट की ऐसी सुंदर प्रतीकात्मक व्याख्या वो निराला ही कर सकता था, और उसमें कहीं कोई छंद बाधा नहीं है, वो छंद मुक्त कविता के कर्णधार बन जाते हैं, वो छंद मुक्त करके कविता के बंधन को तोड़ देते हैं, खोल देते हैं और लोगों को स्वतंत्र कर देते हैं। लिखते जाओ, आप लिखो, आपके अंदर अगर अनुभूति है, आप अगर अभिव्यक्त कर सकते हैं, आपके अंदर संवेदनशीलता है, तो आप लिखिए। लिखने के लिए किसने मना किया है, और छंदों का कोई बंधन नहीं है, आप मुक्त होकर लिखिए। और निराला लिखता है, वह आता दो टूक करे कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा कुटिया टेक मुट्ठी भरदाने को भूख मिटाने को, मुख फटी पुरानी झोली का फैलाता वह आता। जब निराला कहता है तो एक चित्र एक बूढ़ा भिक्षुक समक्ष से गुजर जाता है, ऐसी चित्रात्मकता छंद मुक्ति में भी कौन कर सकता था, वह निराला ही कर सकता था। तो ये चार स्तंभ, जिस प्रकार कबीर तुलसी जायसी और सूर चार स्तंभ बनकर एक स्वर्ण काल बनाते हैं, उसी प्रकार पंत निराला प्रसाद और महादेवी चार स्तंभ बनाकर, महादेवी केवल दर्द की कवयित्री नहीं थी, वह केवल आंसू नहीं बहाती थी, वह बहुत ही वीरांगना थी। सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागिनी अपनी जगा लूं, वह सारे बुझे दीपकों को एक साथ जलाने की परिकल्पना कोई कवयित्री वह दर्द वाली कैसे हो सकती थी। उन्होंने कहा था, दर्द एक सूत्र है, पीड़ा एक ऐसी चीज है जो विश्व को एक बंधन में बांध कर रख सकती है, इसीलिए पीड़ा मुझे प्रिय है। क्या तुझको पीड़ा में ढूंढा तुम्हें ढूंढूं, परशेष नहीं होगी मेरी यह प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम्हें ढूंढूंगी पीड़ा। पीड़ा ढूंढने से ही अगर हम जीवन के अंदर के दर्द को महसूस कर सकें तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं लोक कल्याण की ओर। हमारे अंदर अगर वही पीड़ा जागृत है तो हम उसको पीड़ा से मुक्त करने के उपाय करेंगे, इसीलिए महादेवी पीड़ावादी है, दुखवादी है, न कि उसके अंदर वो जाजल्यमान नारी नहीं है जिसके कलम में तलवार की शक्ति है। महादेवी मुझे बहुत पसंद है और मैं भावुक हो जाती हूँ महादेवी को लेकर, दो चार बार मिलने का भी अवसर मिला था जब वो पटना आई थी, और मैं बनारस की भूमि से संपर्कित हूँ अभी, अब लग रहा है जैसे कि मैं बनारस में BHU में बैठकर बातें कर रही हूँ। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, इस मंच से जोड़ा, मैं और भी कहना चाहती हूँ अगर आप कहें तो मैं कुछ देर और आज के साहित्य पर चर्चा कर दूँ कि आज जो सामाजिकता है साहित्य की वह कैसे, आज मैं यहाँ बैठी आप सबसे बातें कर रही हूँ, आज मैं बैठी यहाँ से सामाजिकता, ये COVID-19 और ये धर्म और दर्शन, ये हमारा साहित्य, इनकी चर्चा कर रही हूँ और आपसे हृदय से जुड़ा हुआ महसूस कर रही हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि मैं अकेली बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे सारे विद्यार्थी भी सुन रहे हैं, ये विद्वज्जन भी सुन रहे हैं, BHU कैंपस के लोग सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, KK मिश्रा जी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया था इस मंच पर, तो आप सब मुझे सुन रहे हैं, और मैं एक जुड़ाव, यह आत्मा का जुड़ाव होता है, यह सोशल डिस्टेंसिंग का अंडरस्टैंडिंग है, ये इस अंडरस्टैंडिंग से हम सब जुड़े हुए हैं इस मंच से, यह जो मंच है, सामाजिक मंच, हमारे फेसबुक का मंच, हमारे व्हाट्सएप का मंच, यह बहुत बड़ा है, विश्व को एक साथ लेकर वैश्विक मित्र। इसके पहले मैं एक विश्व मंच पर थी और 5 देश के लोग एक साथ एक मंच पर बोल रहे थे, मुझे इतना आनंद हुआ। मैं रूस के विद्वानों को सुन रही हूँ, उज्बेकिस्तान को सुन रही हूँ, मॉरिशस को सुन रही हूँ, श्रीलंका को सुन रही हूँ, और मैं उनके साथ विचार विनिमय कर रही हूँ। यह मंच बहुत बड़ा है, बहुत सार्थक है, और इस मंच पर जो साहित्य रचे जा रहे हैं, जो समय की कसौटी पर कुछ तो खड़े जरूर उतरेंगे, इस मंच ने लोगों में आत्मविश्वास दिया है, लोगों को बोलने की शक्ति दी है, लोगों को लिखने की शक्ति दी है। जब हम कहीं सामने में बोलने के लिए बुलाए जाते हैं तो कोई संकोच कर सकता है, कोई लिखने में संकोच कर सकता है, लेकिन यहाँ कोई संकोच नहीं करता। तो बहुत सारी गृहिणियाँ ऐसा लिख जाती हैं कि देख के हम दंग रह जाते हैं, मेरे बालक बच्चे विद्यार्थी ऐसी ऐसी कविताएं लिखते हैं कि मैं पढ़कर दंग हो जाती हूँ कि कितनी सुंदर भावनाएं उनके अंदर है। तो यह जो मंच है वह सामाजिकता, साहित्य और COVID-19 सबको सम्मिलित करके एक समान
चिंतन का मौका देता है और उससे बीमारियों से त्राण का मौका देता है, हमें पुरानी संस्कृति को की ओर जाने का मौका देता है, सीखने का मौका देता है, सर्वधर्म संभाव का मौका देता है, वसुधैव कुटुंबकम का मौका देता है। तो मैं बहुत आभारी हूँ BHU का, और मैं बहुत आभारी हूँ उनके उस मंच जिसने मुझे बुलाया, KK मिश्रा जी, डॉक्टर साहब, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं सदा ही आप सबसे जुड़े रहना पसंद करूँगी। मैं वहाँ BHU में जब थी तो गुरुधाम कॉलोनी जाया करती थी, और वहाँ डॉक्टर विजयपाल सिंह जी से मेरा बहुत घनिष्ठ परिचय था, तो मैं उनके चरणों में बैठती थी और उनसे बहुत कुछ सीखती थी। तो आज वो नहीं रहे, मैं भी बनारस में नहीं हूँ, लेकिन मेरी आत्मा कहीं ना कहीं बनारस में है और मैं जुड़ी हुई हूँ, आप सबसे जुड़ी हुई हूँ। बहुत आभार, पुनः पुनः बातें होंगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।